గౌరాంగ గౌరాంగ. पहले सुने हो आप गौरांग गौरांग? कौन कौन पहले सुने थे गौरांग ये शब्द या गौरांग नाम? कौन कौन सुने पहले गौरांग? या जिनकी कथा सुनने के लिए आप पधारे हो, जिनकी कथा मतलब मैं कुछ कथा शायद या करूँगा, कथा मेरी नहीं है. कथा किसकी है? किसकी होगी कथा आज? गौर कथा. गौर कथा, गौर हरि, गौर हरि, हरि हरि, गौर हरि. भक्त भक्त जब बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं. हरी हरी हरी. हरी हरी. तो भगवान प्रसन्न है आज क्यों? आप बड़ी संख्या में यह उपस्थित हो. मैं भी प्रसन्न हूँ. मैं भी प्रसन्न हूँ मैंने कहा. और आप प्रसन्न हो कि दुखी हो? हम सब एक परिवार के ही है. इस संसार में हम लोग बढ़ जाते हैं, छोटा छोटा परिवार, थोड़ा विभाजन होता है, थोड़े टुकड़े हो जाते हैं. कुछ अपनापन और पराया, अयम निजः परो वेत्ति, ऐसा होता है. अयम, ये लोग मेरे हैं, ये पराये हैं. अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम. लेकिन ऐसा जो विचार है अपने पराये, ये विचार लघु चेतसाम छोटा है, हल्का है, संकीर्ण है, क्षुद्र है, नीच है, ऐसा सब कुछ कहा जा सकता है. किंतु उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम. लेकिन जो उदार चरित्र के होते हैं, उदार विशाल, उनका क्या विचार होता है? वसुधैव कुटुंबकम. इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वे क्या है? मेरे परिवार के. पृथ्वी पर के सारे लोगों का मिलके एक कुटुंब है. और उस कुटुंब के हेड ऑफ द फैमिली कौन है? फिर कौन है कहो, कौन है?
न तो आप हो न तो मैं हूं। कृष्ण है ऐसे परिवार के हम सभी ऐसे परिवार के सदस्य है। तो जब जब सत्संग होता है और आज सत्संग हो रहा है तो हम बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। इसको फैमिली रियूनियन भी कहा जा सकता, फैमिली रियूनियन, परिवार के सदस्यों का पुनः मिलन या सम्मेलन। हम दो और हमारे दो नहीं, हमारा एक ही, आजकल दो नॉट अलाउड, हम दो और हमारा, लाइक दिस। फिर हम दो और एक तीन हो गए, और दो चार जोड़ दो तो फिर हो गया हमारा, इज माई फैमिली, इज माई फैमिली। हरी हरी। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित है, जो कृष्ण कॉन्शियस है, वैसा कभी नहीं सोचते। हरी हरी। तो जब आपको इतनी बड़ी संख्या में, पहले तो भगवान देखते हैं और फिर हम भी देखते हैं, फिर दिल खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है मन। हरी हरी। मिठ माझा ले कुरवाड़ा, अब शायद नहीं समझोगे, लेकिन महाराष्ट्र में पंढरपुर में ऐसा गीत गाते हैं, बिठू माझा ले कुरवाड़ा, संगे गोपाळांचा मेळा, मिठू माझा ले कुरवाड़ा। बिठू मतलब विठोबा, विठोबा विठोबा रखुमाई, पांडुरंग 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 पांडुरंग। तो वे पांडुरंग या विठोबा विठ्ठल, ऐसे कई नाम है उनके। तो उनका गीत है, तो उस गीत में के कई सारे गीत है, संत तुकाराम और नामदेव और फिर ज्ञानदेव, और ऐसे महाराष्ट्र के संतों ने कई सारे गीत, जिनको अभंग भी कहते, अभंग। तो एक अभंग में कहा है, विठू माझा ले कुरवाड़ा, विठोबा कैसे है, ले कुरवाड़ा, ले कुरवाड़ा, ले कुरवाड़ा, ऐसा कुछ गुजराती में शब्द है, ले कुरवाड़ा ना, लेकुर लेकर लेकर ऐसा कुछ। हरी हरी। पांडुरंग हमको कथा तो करनी है, गौर कथा, तो ये भी गौरांग महाप्रभु की कथा है जो हमने कुछ कहा, उसका संबंध तो है हरि संबंधी वस्तु नहा, उसका हरि के साथ और फिर गौर हरि के साथ संबंध है। किंतु हम
गौरांग महाप्रभु की ओर मुड़ते हैं, और पहले तो हम एक गीत ही गाते हैं, चलेगा? हाँ, आपको गीत पसंद नहीं है? ये गीत उस समय का है जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वृंदावन पहुंचे, वृंदावन गए। और चैतन्य महाप्रभु सदैव कीर्तन और नृत्य करते रहे। कीर्तन में नृत्य किया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। श्री कृष्ण रास में नृत्य करते, रास क्रीड़ा के समय श्री कृष्ण नृत्य किया करते थे। तो वही श्री कृष्ण जब श्री कृष्ण चैतन्य बनते हैं तो फिर वे संकीर्तन में नृत्य करते हैं, संकीर्तन में नृत्य, संकीर्तन करते चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे। तो वैसे तो रास्ते में झारखंड का जंगल भी आया, झारखंड का वन भी आया। तो जंगल में मंगल किए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। जंगल में क्या किया, कैसे मंगल किया जंगल को? कीर्तन किया, वहाँ भी नृत्य किया, और उस वन के सारे पशुओं को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन में नचाया। आप नचा सकते हो? हाथी नाच रहे थे। हरी बो। कुछ शेर सोए थे, प्रातःकाल का समय होगा, पता नहीं, शेर दिन में भी सोते होंगे। तो कुछ शेर सोए थे, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए जा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने शेरों को जगा, ए गेट अप। तो गेट अप या उठो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। चैतन्य महाप्रभु कहते उठो, तो शेर देखते तुम कौन हो जगाने वाले। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को सुनते उठो कहते हुए, और चैतन्य महाप्रभु को जब देखते तो शेर भी छलांग मार के खड़े हो जाते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको कैसा लगा ये? अच्छा लगा? हरे कृष्ण यस नो? तो वहाँ के पशु पंछी पक्षी भी देखिए आ गए, पक्षी आ गए।
झारखंड जंगल में हम पहुंच गए। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में वो पशु पशु नहीं रहे, उनकी पशुता या पशुत्व नहीं रहा, मानो उनका कोई शरीर था ही नहीं, है या नहीं कोई पता ही नहीं उनको, वे सब एक आत्मा के रूप में, एक 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 शरीर में एक आत्मा, एक शरीर में आपके शरीर में, मेरे शरीर में भी एक एक, कौन है कौन है कहो, कौन है कहो तो सही, बाद में पता लगवाएंगे है कि नहीं। तो कुछ शरीर थे शेर के थे, कुछ हिरण के शरीर थे। तो हिरण और शेर साथ साथ में चल रहे थे, कंधे को कंधा मिलाते हुए, रबिंग द शोल्डर्स के थे अंग्रेजी में। और शेर का कोई भय नहीं था हिरण को, तो हिरण सोचता ही नहीं था कि ये कोई शेर है और उसे डरना है। सारा देह भान भूल गए, देह भान चलता है, देह भान नहीं रहा उन सारे पशुओं को, उनको आत्म साक्षात्कार हुआ, उनको भगवत साक्षात्कार हुआ। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे, ये उन्हीं की लीला थी, ये उन्हीं की लीला थी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने सभी को भुला दिया कि तुम पशु हो, तुम शेर हो, या तुम हिरण हो, या तुम साफ सर्प हो। तो सर्प का शत्रु कौन होता है, मुंगूस कहते, मुंगूस नेवला, नेवला। तो वो दोनों भी साथ में चल रहे थे, नेवला और सांप भी साथ में चल रहे थे। है कोई दिखा रहे, और वे सभी गा रहे थे, उसे कीर्तन कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि शेर और हिरण पहले तो साथ में चल रहे थे, थोड़ी देर के बाद चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि शेर और समथिंग हियर, शेर और हिरण एक दूसरे को गले लगा रहे थे, उनके साथ उनको आलिंगन दे दो, खड़े हो ले जाओ, रेव एक सूरत के तो एक दिल्ली वाले तो भी डर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा शेर और हिरण आलिंगन ही नहीं, आलिंगन भी दिया और फिर I love you, तुम जो भी हो ये आत्मा। और ये जब दृश्य देखा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो वृंदावन के रास्ते में थे, जगन्नाथपुरी से जा रहे थे वृंदावन, मथुरा वृंदावन,
बीच में झारखंड नाम का जंगल आया। झारखंड अभी स्टेट है ना, वंस अभी तो स्टेट बन गया, पहले शायद तो बिहार था। तो झारखंड में ही थे, लेकिन वो दृश्य जब देखा, वन के सारे पशु कीर्तन और नृत्य कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होकर कहने लगे, वृंदावन धाम की। चैतन्य महाप्रभु ने तो भगवान ने ही सोचा कि यही तो वृंदावन है, जहां सभी जीव ईर्ष्या द्वेष को भूल जाते हैं, अपना पराया मैं इस योनि का, उस योनि का, योनि भी अलग अलग योनियां वहां, पशु योनि 30 लाख प्रकार के पशु होते हैं। पशु कितने प्रकार के? 30 लाख। और वृक्ष होते 20 लाख और पक्षी होते 10 लाख। पक्षी नाम 10 लक्षानाम कहाँ है? क्रीमया रुद्र संख्या कहा। जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु होते ना, जर्म्स वर्म्स, वो होते 11 लाख प्रकार के। जलजा 9 लक्षानी और जलचर, जल में रहने वाले प्राणी जो जलचर, मछली मेढक इत्यादि, वह कितने प्रकार के? 9 लाख। मनुष्यानाम 4 लक्षानाम और मनुष्य योनि भी कितने लाख लाखों की है? 4 लाख प्रकार के मनुष्य है मनुष्य योनि। तो ये भी सारा भेद भूल के, मैं इस योनि का, ये वो इस योनि का, तो उस वन के झारखंड जंगल के सारे पशु, सभी हाथी नहीं थे, सभी केवल हिरन ही नहीं थे, सभी केवल सर्प नहीं थे, सभी नेवले नहीं थे, तो अलग अलग योनि में जो वे स्थित थे या शरीरों में। सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, सारी उपाधियों को भूल गए, और बस सब कीर्तन और नृत्य में तल्लीन हो गए। ये अपने आप नहीं हुआ, यानी कि पशुओं ने कुछ सभा बुलाई और कहा, आज शायद कोई महात्मा यहाँ से जंगल से गुजरने वाले हैं, तो वे जब कीर्तन करने लगेंगे, चलो हम भी कीर्तन करेंगे। हाँ ए, वैसे पक्षी भी थे उसमें, पशु तो जमीन पर थे लेकिन आकाश में पक्षी भी थे, तो ऐसा कोई योजना नहीं था, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। तो ये सब हुआ जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड जंगल में प्रवेश किया, और प्रवेश करते करते जब जा रहे हैं तो भगवान ने अपनी जो शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, भगवान की लीला शक्ति, भगवान की इच्छा शक्ति, भगवान की कई शक्तियां हैं, विविधैव श्रूयते, पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते, पराश मतलब भगवान की शक्तियां, एनर्जीज,
विविध ही व श्रूयते, विविध प्रकार की शक्तियाँ हैं। तो भगवान को हाथ से या पैर से या अपनी काया से कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, भगवान की इच्छा से भगवान कई सारे कार्य करवाते हैं। इच्छा कर ली तो भगवान ने अपनी इच्छा से ये सारे जंगल में मंगल, जंगल में चहल पहल, जंगल में एक मतलब पार्टी, सिंगिंग एंड डांसिंग पार्टी, तो ये एक लीला हुई ऐसी। पग पग पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु लीला करते या खेलते रहे, तो इस लीला से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के उनके भगवत्ता का थोड़ा संकेत या कुछ पता लगता है। ये चैतन्य महाप्रभु क्या हुई, इसको तो भगवत्ता कहते, भगवत्ता भगवत्ता गॉडहुड, भगवान है तो उनका जो मैं भगवान हूँ तो उन्होंने दिखाया अपने शक्ति का, अपने सामर्थ्य का, अपने वैभव का उन्होंने प्रकाशन किया। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, से भगवान गीता में कहे मेरी अध्यक्षता के अनुसार सारा संसार चलता है या डुलता है, हिलता है या जो भी होता है भगवान के अध्यक्षता के अनुसार होता है। तो वह ये सर्वाध्यक्ष श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने वो झारखंड वन में अपने भगवत्ता का प्रदर्शन किया। दर्शन इस लीला से दर्शन होता है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भगवत्ता का या गौर तत्व का कहिए या पंच तत्व का तत्व भी कहे, भगवत्ता या भगवत तत्व विज्ञान। तो ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु फिर आगे बढ़े और वृंदावन जा रहे थे। तो उस दिन या कुछ समय के लिए हो सकता है वे उस झारखंड जंगल में थे, तो जंगल में प्रवेश करने के पहले या जंगल से जैसे बाहर आए तो जिन जिन गांवों में नगरों में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का पड़ाव रहा रुके, तो सायंकाल के समय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में संकीर्तन में यहाँ भी बड़ी संख्या में आप उपस्थित हो, लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में इतने लोग आते होंगे क्या? हाँ इतने नहीं, हाँ ज़्यादा ही, कितने दुगुने, ट्वाइस एज मच। हाँ असंख्य असंख्य लोग जुड़ जाते हैं, न जाने कहाँ से आते हैं वे। हम यहाँ आ रहे थे तो आपको शायद मैसेज गया होगा, एसएमएस गया या सच्चिदानंद प्रभु फोन कर रहे महाराज आए हो, प्लीज कम प्लीज कम।
कोई बैनर है, पोस्टर है, दिस दैट, हाँ। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे फिर नगर जाते, तो उनके साथ कोई पब्लिसिटी डिपार्टमेंट नहीं था, हाँ। लेकिन न जाने मतलब हमको पता, हम नहीं जानते, न जाने कैसे लोगों को पता चलता और लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो जाते। तो कैसे पता लगता होगा लोगों को, या कौन पता लगवाते या देते उनको, आगमन करो, आगमन करने रहे। मतलब मेरा ऐसा विचार था कि इसका उत्तर तो कोई भी कह सकता है, कौन पता लगवाता होगा, कौन देता होगा पता, आ? परमात्मा। और यहाँ पर कौन परमात्मा जो जा रहे गांव गांव जा रहे, वो परमात्मा थे कि नहीं? परमात्मा तो जनरल हुआ, लेकिन यहाँ पर कौन? गौरंग, गौरंग, गौरंग। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही ओके परमात्मा में अच्छा उत्तर है, सही है, क्योंकि सभी के हृदय प्रांगण में कौन है? सर्वस्य च अहम् हृदि सन्निविष्टः। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो जा रहे थे जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर, फिर गांव गांव जाते, नगरों में जाते, रुकते, कीर्तन करते, वे ही तो परमात्मा के रूप में सभी के हृदय प्रांगण में स्थित है। तो वे ही तो सभी को सूचना देते और प्रेरित करते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्लीज कम। ऐसे अमुक 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 तमुक चलता है, अमुक अमुक गांव में, अमुक गांव में, तमुक नगर में, ये कोई तमुक गांव का नाम नहीं है, नगर का अमुक, सच एंड सच, अमुक गांव, तमुक गांव में आ जाओ। भगवान अगर सूचना देना चाहेंगे तो वे तो सभी के हृदय प्रांगण में है ही, तो वही सूचना देते थे और बहुत बड़ी संख्या में लोग जुट जाते हैं, जैसे आप भी बड़ी संख्या में, लेकिन इससे कई गुना अधिक संख्या में लोग जुट जाते हैं। और फिर क्या होता, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनके साथ, मतलब भगवान जीवों के साथ, लोगों के साथ, नागरिकों के साथ, प्रजा के साथ, या तो भगवान की प्रजा, वैसे राजा की प्रजा कहते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। राम ने जनता को प्रजा, अपनी प्रजा मान के उनको संभाला, उनका ख्याल किया। तो वैसे है भी हम सभी भगवान की प्रजा है। अहम बीजः प्रदः पिता, हम भगवान की संतानें हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उन सारे एकत्रित हुए असंख्य लोगों के मध्य में
भगवान कीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हैं। वेल, ऐसे कीर्तन तो वेल हम भी करते हैं, या नरसिंह मेहता ने भी किया, संत तुकाराम महाराज भी किए, और मीराबाई ने भी किया, और तुलसीदास भी। तो लेकिन यहाँ पर जो कीर्तनकार है, कीर्तन करने वाले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, कोई संत महात्मा नहीं है, स्वयं भगवान। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर अब जीवों के साथ जो उन्हीं की जनता है, उन्हीं के अपत्य है, उन्हीं की संतानें हैं हम, उनके साथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किया करते थे। अजानुलंबित भुजो, और अपन कीर्तन कब होगा? संकीर्तन एक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु असंख्य लोगों के मध्य में खड़े हो जाते हैं और उनकी अपने बाहुतुले कहते ऐसे उठाते। अजानु लंबित भुजो, लंबी भुजाए कनका वदातो, और सुवर्ण वर्ण हेमांगो, उनके अंग का रंग इस समय सुवर्ण वर्ण के भगवान बने हैं। वो श्याम सुंदर अब बने हैं गौर सुंदर। कमलायताक्षो कमल नयनी, संकीर्तन कपितरो, और संकीर्तन आंदोलन के वे फाउंडिंग फादर पिताश्री। द्विजवरो वैसे दो व्यक्ति का उल्लेख हुआ, गौर और नित्यानंद। द्विजवरो द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में इन दोनों का भी प्राकट्य हुआ, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का। द्विजवरो युग धर्म पालो, और इस कलयुग का, इसीलिए युग कौन सा चल रहा है, कौन सा युग, मतलब कलह का युग। कलह समझते, भांडन तंटा, झगड़े रगड़े। तो लड़ाई वॉर्स तंटा ये सब चलता रहता है, ये कली का लक्षण है। तो संकीर्तन ही के पितरो युग धर्म पालो, तो इस तो कलह करने वाले लोगों से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन करवाया, और कुछ गाली गलौच करने के बजाय उसी मुख से क्या कहो,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ने लोगों के मुख से निकलवाया ये हरि का नाम और हरि नाम की स्थापना की है श्री कृष्ण चैत युग धर्म पालो। तो कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन होता है। वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो, ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु करुणा के अवतार। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उन असंख्य एकत्रित हुए लोगों के साथ कीर्तन करते हैं, कीर्तन करवाते हैं। उनको नचाते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनको प्रेरित करते हैं हरि बोल। आपको कैसे लगा ये चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु के साथ सभी जो एकत्रित जीव या लोग मानो उनको उनको कठपुतली बना के उन सभी को कठपुतली बना के और स्वयं कठपुतली वाला बन के जैसे कठपुतली वाला गुड़िया को नचाता है या कोई लड़ाई करवाता है या नाचते हैं या झगड़े करते हैं, कठपुतली वाले के हाथ में होता है सब। तो यह कठपुतली वाला मह्याध्यक्षे न प्रकृति सूयते सर सचराचर कहने का अधिकार जिनको है वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सभी को नचाते हैं फिर उस कीर्तन में। भगवान का सानिध्य स्वयं भगवान स्वयं साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधिर गोविंद सर्वकारण कारणम वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में सभी को नचाते कीर्तन में। और फिर उन लोगों का भी वही हाल कराते या हो जाता जैसे उस झारखंड जंगल के पशुओं का हाल, मतलब वे भी देह भान नहीं रहा उनको। और बस गॉड रियलाइजेशन का हो या यस गॉड रियलाइजेशन भगवान का साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार हरे कृष्णा, बस एक एक मीटिंग में एक सिटिंग में सारे भगवत साक्षात्कार ही हो जाते। अपने जीवन के लक्ष्य को बस एक ही बैठक में एक ही सिटिंग में एक ही कीर्तन में महाप्रभु के साथ कीर्तन और नृत्य तो इस कीर्तन के अंत में वे सारे शुद्ध भक्त बनते प्योर डिवोटीज।
तो एक बैच हो गई, प्योर डिवोटी बनाया, पूरे गांव के गांव शुद्ध भक्त बनाए एक इवनिंग प्रोग्राम में। ऐसा होता तो हरी हरी। यानी में कुछ शुरुआत तो होती है, हाँ, लेकिन कुछ कुछ होता है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं, और जहाँ जहाँ जाते रास्ते में भी लोग, दिन में जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कभी केवल केवल चल रहे हैं, इज ओनली वॉकिंग, ऐसा कभी नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु का यह सदैव कीर्तन करते हैं, एवरी स्टेप वॉज अ डांस इसका। और कीर्तनीय सदा हरि, तो रास्ते में लोग मिल जाते, तो जो भी मिलते श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को, बस उनके हो जाते हुए और उनके साथ जाना चाहते, भूल जाते हैं अपने घर को, धन दौलत को, ये कर्तव्य इज माय ड्यूटी, हम इतने बिजी चल रहे हैं, मरने के लिए समय नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में आते ही बस भूल जाते हैं। हरी हरी। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भवन सिंह ऑल्सो, ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भवन अमृत संघ है, जिसका एक ब्रांच शाखा मंदिर वल्लभ विद्यानगर है, ये चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ा रहा है, ये हरे कृष्ण आंदोलन इस्कॉन, जो जो कार्य का आरंभ किए, शुभारंभ किए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं का कार्य ये हरे कृष्ण इंस्टीट्यूशन चैतन्य महाप्रभु का इंस्टीट्यूशन है, इसके संस्थापक आचार्य औपचारिक दृष्टि से उसका रजिस्ट्रेशन करवाए, स्थापना किए, किंतु ओरिजिनल आदि मूल प्रवर्तक संस्थापक संकीर्तन के पितरों वे तो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु है, तो उन्हीं का ये आंदोलन, उन्होंने ही प्रारंभ किए हुए कार्य को, जो कार्य वैसे एक शब्द में कहा जा सकता धर्म धर्म संस्थापन का कार्य, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, तो फिर हम भी या चैतन्य महाप्रभु की ओर से, हमारे संस्थापक आचार्य की ओर से, श्री प्रभुपाद की ओर से, हम सभी से निवेदन करते कि आप भी क्या करो, कीर्तन करो, झगड़े बंद हो जाएंगे, बहुत कुछ बंद होगा, बहुत सारी बदमाशी, ऐसी क्षमता रखता है ये हरे कृष्ण महामंत्र,
बड़ा बलवान है, जितने भगवान बलवान है उतना ही बलवान ये भगवान का नाम है। प्रभु से बड़ा हरि, हरि से बड़ा हरि का नाम, ऐसे ही भक्त कहते, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो दूसरे शब्दों में क्या, हरि हरि, ये हरे कृष्ण आंदोलन सारे संसार को हरि को दे रहा है या कृष्ण को दे रहा है? कृष्ण को ले लो, कृष्ण को लो, लो कृष्ण को। कृष्ण से तो मार दी, कृष्ण दीते पार तुम्हार शक्ति आछे। अगर लोग कहेंगे, भक्तों से कहेंगे, गुरुजनों से कहेंगे, हरे कृष्ण आंदोलन वाले भक्तों से, संतों से, कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पार तुम्हार शक्ति आछे। कृष्ण आपके पास है या कृष्ण अभी आपके है? और उस कृष्ण को मुझे आप दे सकते हो? प्लीज गिव मी कृष्ण, आई वॉन्ट कृष्ण, वही वॉन्ट, वही वॉन्ट, वही वॉन्ट, वही वॉन्ट। अब ऐसा कब कहोगे आप? कभी कहा है? ऐसा कहते ना, वही वॉन्ट, वही वॉन्ट चलता रहता है, वही वॉन्ट। कभी कहा है किसी ने वही वॉन्ट कृष्ण, वही वॉन्ट कृष्ण, वही वॉन्ट माया, वही वॉन्ट माया, वही वॉन्ट माया, वही वॉन्ट माया। हमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे। ये भाव है उसे भक्तों के, या जो जो भगवान को चाहते हैं, ये जगत सब सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, राम नाम बिन जगत सब सपना। शिव जी ने कहा, शिव जी अपने भारिया अर्धांगिनी पत्नी शिवानी से, शिव की शिवानी होती, भव की भवानी होती है, तो रुद्र की रुद्राणी भी हो, ऐसे ऐसे नाम शिव जी के हैं और पार्वती के भी है। तो उमा, उमा के, उमा उनका एक नाम है पार्वती का। तो शिव जी ने कहा, सुनो 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 हे उमा देवी, अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ, सुनाइए सुनाइए। तो शिव जी ने क्या कहा? राम नाम बिना जगत सब सपना। राम नाम के बिना सारा जगत तो स्वप्न है, स्वप्नवत है। तो शिव जी का अनुभव ठीक है कि हरी हरी शिव जी एक अथॉरिटी है, बहुत बड़े प्रमाण है।
द्वादश भागवतों में से एक है शिव जी। स्वयंभू स्वयंभू नारदः शंभु कुमार कपिलो मनु फिर बलिर्वैया सकीर वयम प्रहलादो जनको भीष्मो। इस प्रकार मैंने अभी 12 नाम कहे तो ये 12 या द्वादश महाभागवत कहते हैं। महाभागवत धर्म को या भगवान को अगर कोई जानता है तो ये द्वादश ये 12 लोग जानते हैं तो उसमें है शिव जी। तो उन्होंने भी कहा अपने दिल की बात कही उन्होंने हरी हरी। आप कहते रहो वी वांट कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। वैसे ये कहना मतलब भी हे कृष्णा वी वांट यू हम आपको चाहते हैं। हरे कृष्णा कहना मतलब हम आपको चाहते हैं वी वांट यू। कृष्णा यह कर्षति स कृष्णा जो सभी जीवों को आकृष्ट करे करने वाले व्यक्तित्व भगवान को भगवान का नाम क्या है कृष्णा। तो जब हरे कृष्ण हम कहते हैं मतलब हे कृष्णा स्वमाधुर्येन मम चित्तम आकर्षाय ऐसी प्रार्थना है कि भगवान अपने माधुर्य से आप इतने मधुर हो अपने माधुर्य से मेरे चित्त को आकृष्ट कीजिए। ये भी कहने का भाव है जब हम हरे कृष्ण कहते मतलब ये हम लोग कहते या जब हम हरे कृष्ण कहते मतलब हे भगवान हमें सेवा योग्यम कुरु मुझे अपनी सेवा के लिए योग्य बना दो। सेवा अधिकार दिए कर निज दासी मुझे भी सेवा का अधिकार दीजिए मुझे दासी बनाइए। ऐसी प्रार्थना हम तुलसी को भी करते हैं तुलसी महारानी को भी करते हैं। हम सीधे भगवान के पास नहीं जा सकते तो वी हैव टू गो थ्रू राधा रानी या तुलसी महारानी या हमारे गुरुजन परंपरा में आने वाले आचार्य गण। अरे अरे ओके अब अभी घड़ी की ओर देख रहे हो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अभी तक वृंदावन तो नहीं पहुंचे तो आगे बढ़े जाते रहे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और मथुरा धाम के मथुरा को देखे वृंदावन धाम की दूर से मथुरा वृंदावन को जैसे भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने धाम का अवलोकन किया कहिए कुछ दृष्टि पथ में आ गया वो धाम तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दूर से साष्टांग दंडवत किया धाम को। और फिर आगे बढ़े जमुना मैया के वहां से कृष्ण जन्म स्थान गए। मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान है ना आप में से कोई गए कृष्ण जन्म स्थान जिन्होंने देखा
इसे देखना चाहिए। कहाँ है वहाँ, वैसे लिखा भी एक मंत्र, पुनर्जन्म न विद्यते। कोई कृष्ण जन्म स्थान का दर्शन करता है, कृष्ण जन्म स्थान का दर्शन करता है तो ऐसे व्यक्ति को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, जन्म पुनः नहीं लेने की आवश्यकता। आप क्या चाहते हो? व्हाई नॉट, इतना बढ़िया वल्लभ विद्यानगर। जीना यहाँ, मरना यहाँ, वल्लभ विद्यानगर छोड़ के जाना कहाँ, और कहाँ जा सकते हैं? अरे भगवान का धाम देखेंगे, कुछ अनुभव करेंगे वहाँ का, तो फिर आप वल्लभ विद्यानगर की ओर दे के थूकोगे। थू तुलना नहीं हो सकती भगवान के धाम, दिव्य धाम, अलौकिक धाम। जो हमारा गांव है, हमारा भी धाम है, हम वही के हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण जन्म स्थान का भी दर्शन किया, और फिर द्वादश वनों की यात्रा जब कर रहे थे तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का सर्वत्र स्वागत हुआ। हर वन में पक्षी भी स्वागत कर रहे थे, पशुओं ने भी स्वागत किया, वृक्षों ने स्वागत किया, जमुना ने स्वागत किया, ऐसा इस गीत में लिखा है। तो आए तो थे गौर सुंदर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का एक नाम क्या है, क्या है कहो तो सही। ऐसा सुंदर नाम के मुख से निकालो, एक बार कहो। और फिर कुछ गंदे नाम या गंदे वचन मुंह से निकलना धीरे धीरे बंद होगा जब हम जिह्वा का प्रयोग करना शुरू करेंगे, गौरांग गौरांग कहने के लिए या श्याम सुंदर। तो आए थे गौर सुंदर, लेकिन सभी ब्रजवासियों ने, ब्रज भक्तों ने, गायों ने, बछड़ों ने, मोरों ने, पक्षियों ने, जमुना ने क्या सोचा कि हमारे श्याम सुंदर आए हैं। आए थे गौर सुंदर, लेकिन सभी ने सोचा कि कौन आए हैं, श्याम सुंदर ही आए हैं, और स्वागत करते रहे। ओके रेडी, फाइनली ढोले ढोले मतलब डोल रहे हैं। ढोले ढोले गोरा चा हरि गुनगा, ढोले ढोले भाई देखिए कौन सी भाषा में है, तिरछा करो, प्रतीक्षा थोड़ा थोड़ा सा तिरछा करो। ढोले ढोले गोरा चा हरि गोना गा,
वृंदावनेर तरूर लता प्रेम को यह हरी कथा Oh, no.
ध्याने हरि ध्याने हरि हरि बोल वदन भरि Yeah.